पेशेंट्स को भी डरा धमका दिया जाता है कि अगर आप मैडम को ऐसा बताओगे कि हमारा हॉस्पिटल में चार्ज लगा है, हमसे पैसे लिए गए, तो मैडम के जाने के बाद में आपको पूरा चार्ज देना पड़ेगा। हाँ, मैंने कुछ कंडीशन में ऐसा भी किया है, जैसे मरीज है उनको मेरा खुद का पर्सनल नंबर मैंने शेयर किया है, तो हॉस्पिटल ने वहाँ पे भी मुझसे ऑब्जेक्शन किया कि मैडम आप अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर मरीज़ मेरा पर्सनल नंबर लेगा तो मुझे कॉल करके श्योर बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आपने अक्सर देखा होगा सरकारों की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है जो आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोग ले नहीं पाते, और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती या फिर अवेयरनेस की कमी की वजह से। ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। काफ़ी लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, काफ़ी गरीब लोगों तक, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक, और यहां तक कि मिडिल क्लास या शहरी लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ लिए बिना ही रह जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सूरभी, आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की सीकर के क्षेत्र में इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर हैं। आपसे हम चर्चा करेंगे इसी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर भी करते हैं, ताकि हो सकता है बहुत सारे ज़रूरतमंद परिवारों तक, लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाया जा सके और उससे उन्हें लाभ मिल सके। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर संदेश के प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरभी सारसर, सीकर डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर, चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में। मैम, मैं सबसे पहले तो चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को परिचय दें कि ये योजना क्या है और कौन लोग हैं जो इसमें लाभ ले सकते हैं। ये मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके अंतर्गत 1576 पैकेज हैं, प्रतिक्रियाएँ हैं जो शामिल की गई है। इसकी घोषणा 2021 में की गई है। ये मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई योजना है। ये सीकर के कई अन्य अस्पताल में है लागू की गई है, जैसे कि अपना गुरुकृपा हॉस्पिटल है, मित्तल हॉस्पिटल है, मनु ईएनटी हॉस्पिटल है, श्री राम ट्रोमा है, जैसे गवर्नमेंट एस्के हॉस्पिटल है। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जो मरीज हैं उनको क्या फ्री की सुविधाएं मिलती है, जैसे मुख्यमंत्री जांच योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, ओपीडी से संबंधित जो भी दवाएँ हैं, जाँचें हैं, वो इसके अंतर्गत निःशुल्क की जाती है। तो ये योजना में मतलब लाभार्थी कौन होते हैं, कौन परिवार या कौन लोग हैं जो इस योजना में खुद को रजिस्टर करके इसका लाभ ले सकते हैं? इसके अंतर्गत इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ था मई से। ओके। इसमें रजिस्ट्रेशन जिनका करवाया गया है 850 रुपये की समथिंग उनका रजिस्ट्रेशन है, तो वो इस सुविधाएं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे गरीब लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो इस योजना का पूरी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। जिनके पास जन आधार कार्ड है, भामाशाह कार्ड है, चिरंजीवी कार्ड है, वही इसी का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, आप लोगों ने मई माह के दौरान इस बारे में काफ़ी सुना होगा, मुख्यमंत्री ने खुद ने काफ़ी कोशिश करी थी कि सोशल मीडिया, अखबार या अन्य प्रचार के माध्यमों से इस योजना को लोगों तक पहुंचाया जा सके, और जिन लोगों के जन आधार कार्ड उस वक्त बन चुके थे वो इस योजना में 850 रुपये देकर, और कुछ ऐसे भी परिवार थे जो बिना पैसे दिए भी इसमें रजिस्टर कर सकते थे, और उन्हें फिर बीमा का लाभ भी मिलता है, इसमें इलाज का लाभ भी मिलता है, और जिन लोगों का उस तिथि के बाद में जन आधार कार्ड बना है वो आगे जब इसके स्लॉट्स ओपन होंगे तब अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। मैम, तो इसमें जैसे किस तरह के रोग हैं या किस तरह की बीमारियां हैं, या मतलब क्या राशि तक के जो इलाज हैं वो इसमें मिल सकते हैं? इसमें लगभग 1576 पैकेज और प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, हर्निया का है, कान का ऑपरेशन है, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको इनमें शामिल किया गया है, ऑर्थो के ट्रीटमेंट्स हैं ये सब, जैसे गंभीर बीमारी के लिए 450,000 के लिए, और सामान्य जो बीमारी है उसके लिए 50,000 तक का। अच्छा, प्रति वर्ष प्रति परिवार के लिए पैकेज में शामिल किया गया है इसमें। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें जैसे क्या प्रक्रिया रहती है अगर कोई व्यक्ति को जो बीमार है, किसी परिवार को ज़रूरत है, तो इसका प्रोसेस क्या रहता है कि जैसे आमतौर पे सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो इसको अवेल कैसे करें? इसका ये होता है, जैसे आप हॉस्पिटल में जाइए, जहाँ पे जो हॉस्पिटल इसमें पैनल्ड है इस योजना में, उसमें जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। भामाशाह काउंटर मार्गदर्शक का एक अलग से ऑफिस बना होता है। अच्छा। उसमें जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद में जैसे आईपीडी हो गया आपका,
आईपीडी के बाद में इन्वेस्टिगेशंस होंगे, इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा आपका भामाशाह के अकॉर्डिंग, चिरंजीवी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा। अगर आप अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं भामाशाह के दौरान, तो इसमें आईपीडी भी आपका कैशलेस रहेगा और इलाज भी इसमें निःशुल्क रहेगा। मैम, जहाँ भी मतलब इस तरह के मुफ्त इलाज की या सरकारी योजनाओं की बात आती है, तो हम अक्सर देखते हैं कि हॉस्पिटल्स जो होते हैं, भले ही सरकारी हो या निजी अस्पताल हो, वो मरीजों को काफ़ी सहायता करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी केस हमारे अक्सर अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखने सुनने को मिलते हैं कि जहां पर अस्पताल या अस्पताल प्रबंधन जो है वो मरीज को सही जानकारी नहीं देता, या फिर जो चीज़ें मुफ्त हो सकती थी वो उन्हें उनके लिए चार्ज किया जाता है। बहुत बार ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं, तो उनके बारे में, जैसे आप तो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर हैं, तो आप ऐसे केस में क्या करते हैं? जैसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका कोई पेशेंट है, एडमिट है, तो मेरे पास में क्या जयपुर से इसके लिए एक्सेल आती है। ओके। जैसे कोई भी हॉस्पिटल है उसके पेशेंट्स की, मेरे पास टीआईडी नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, नाम आता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, पेशेंट्स का पता करती हूँ, पेशेंट के पास में जाती हूँ, पेशेंट के पास में जाके उसका जन आधार कार्ड देखती हूँ कि जन आधार कार्ड सेम पेशेंट का है, किसी अदर का तो नहीं है, उसका टीआईडी नंबर है वो मैच करती हूँ। उसके बाद में मुझे पेशेंट से पूरी इंक्वायरी करनी होती है, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, हॉस्पिटल में आने के बाद में आपका कितना क्या चार्ज लगा है, हॉस्पिटल्स में जांच हुई है या फिर हॉस्पिटल के बाहर हुई है, ये सब मुझे पूरी इंक्वायरी करनी होती है। इसमें जैसे हॉस्पिटल के अंदर जैसे मरीज भर्ती हुआ है, भर्ती होने से 5 दिन तक इसमें केसलेस रहता है। अगर हॉस्पिटल ने आपके इन्वेस्टिगेशन किए हैं 5 दिन के अंदर और आपसे चार्ज लिया गया, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना होता है, क्योंकि वो सब उसमें फ्री होता है। तो फिर तो ये मतलब आपका जो रोल है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कि अक्सर अस्पताल है उनको समस्या हो सकती है कि आप सीधे मरीज से बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने उसमें कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें मरीज से छुपाई हैं तो वो चीज़ें सामने आ सकती हैं, तो ऐसा कभी कुछ होता है? होता है, काफ़ी होता है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनमें मैं जाती हूँ, तो ये होता है कि हॉस्पिटल्स ऑनर ये चाहते हैं कि उनका स्टाफ मेरे साथ हो। ओके। और कुछ मैंने ऐसे भी देखा है कि पेशेंट्स को भी डरा धमका दिया जाता है कि अगर आप मैडम को ऐसा बताओगे कि हमारा हॉस्पिटल में चार्ज लगा है, हमसे पैसे लिए गए, तो मैडम के जाने के बाद में आपको पूरा चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा। ऐसा भी होता है, तो उस कंडीशन में मुझे पेशेंट्स को क्या कन्विंस करना होता है और उनसे सब सारी इंक्वायरी लेनी होती है। हाँ, मैंने कुछ कंडीशन में ऐसा भी किया है, जैसे मरीज है उनको मेरा खुद का पर्सनल नंबर मैंने शेयर किया है, तो हॉस्पिटल ने वहाँ पे भी मुझसे ऑब्जेक्शन किया कि मैडम आप अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर मरीज़ मेरा पर्सनल नंबर लेगा तो मुझे कॉल करके श्योर बताएगा। बिल्कुल, आपने जो बताया कि काफ़ी इस तरह की लोगों को समस्याएं आती होंगी, लेकिन एक चीज़ और है, जैसे भी गांव से जो लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, अक्सर वो अस्पताल से पहले जो मेडिकल स्टोर है उनके जानकार कोई फार्मासिस्ट होते हैं, तो वो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर वो इलाज वगैरह के लिए बात करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि किस बीमारी के लिए किस अस्पताल में जाना है या किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है, तो क्या उसकी वजह से भी आपकी इस योजना का लाभ उन तक पहुंचने में कोई परेशानी आती है? इसके बारे में ये बताना चाहूँगी, कुछ ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाना है या फिर कुछ पता करना है योजना के बारे में, उनको तो ये लगता है फ्री में है तो सिर्फ ऑपरेशन ही फ्री में होगा, तो अच्छा। वो क्या डायरेक्ट पहले मेडिकल वाले के पास में जाते हैं, मेडिकल से पूछते, वो मेडिकल वाले के साथ में जाके इन्वेस्टिगेशन अपने पहले ही करवा लेते हैं बाहर से, तो उन सब चीज़ों का तो इन्वेस्टिगेशन पहले से करवा रहे हैं, तो पैसे वैसे लगते हैं। अगर वो डायरेक्ट पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो वहाँ पे उस कंडीशन में जांचें फ्री होंगी, अगर वो पहले से करवा के आ रहा है हॉस्पिटल में, उस कंडीशन में हॉस्पिटल भी कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बिल्कुल, यहाँ पर इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस योजना में सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि जांच है, आईपीडी है, ओपीडी है, और उसके इवन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी जो दवाइयाँ हैं या मतलब दोबारा जो दिखाने आना करना है, इस तरह की चीज़ें भी वो मुफ्त हैं। हाँ जी, जैसे मरीज का डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिन तक इसमें चिकित्सा शुल्क निःशुल्क रखा गया पैकेज में शामिल। अच्छा। है मतलब डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का रखा गया है। 15 दिन बाद में अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, मतलब 16वें दिन 17वें दिन, उस दिन उसका चार्ज लगेगा, आईपीडी चार्ज भी रहेगा, मेडिसिन चार्ज भी रहेगा। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों के लिए और ख़ासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बताई है।
डॉक्टर सुरभि से हम बात कर रहे थे, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी इस बात को लेकर आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं, या आपको लगता है कि जहाँ तक इंटरनेट की, समाचार पत्रों की या इस तरह की जानकारी नहीं पहुँच पाती है, उन लोगों को आप भी अवेयर करें। वो आपके गांव में हो सकते हैं, आस पड़ोस में हो सकते हैं, या दोस्त रिश्तेदार हो सकते हैं, कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में बहुत सारी बीमारियों के बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारे अस्पतालों में, जिनमें सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल लगभग लगभग सभी शहरों में उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर मुफ्त इलाज हो सकता है, मुफ्त में आपकी जाँच हो सकती है, ये सारी चीज़ें मुफ्त हो सकती है, बशर्ते आपको पता हो और आप सही जगह पर पहुँचें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी इसमें, इस योजना से जुड़ी ऐसी चाहिए जो हमने आपको इस वीडियो में नहीं दे पाए हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर सुरभि से इस वीडियो के बाद भी आपके जो कमेंट हैं उनके जवाब लेकर हम आप तक पहुँचें, ताकि आप भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ ले सकें। मैं चाहता हूँ मैम, कोई भी ऐसी बात जो इस वीडियो में अभी हमारे बात करने में रह गई हो, या बाकी जो हमारे व्यूवर्स हैं उन तक आप इस योजना को लेकर पहुंचाना चाहती हैं, तो आप ज़रूर बताएं। सबसे ज़्यादा तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है, अगर आप किसी योजना का लाभ उठाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आप आजकल सबसे बेस्ट है, इंटरनेट पे आप सर्च कीजिए, उसके बारे में आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी। वो देखने के बाद में आप डायरेक्ट जो भी हॉस्पिटल इस योजना से जुड़े हुए हैं उनसे, उस हॉस्पिटल में जाके पूरी उसकी इंक्वायरी करके फिर इस योजना का लाभ उठाएं। ये नहीं कि आप कहीं भी बाहर जाके मेडिकल वाले के चक्कर में जाके या फिर किसी और के चक्करों में आके बाहर इधर उधर भटकते रहें। इससे अच्छा है कि आप पहले नेट पे इसके अच्छे से सर्च करें और हॉस्पिटल में जाके इसकी जानकारी लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।